Hi learners, this is Alisha Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, we'll be covering all the MCQs of past year MCQs karenge higher education ke, theek hai? So let's get started without wasting any time. So what we are doing is higher education MCQs. This is by me. And if you want to know the detail of it, aap ise learning app par jaakar कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हमें याद करनी है कि इसके जो सारे के सारे एमसीक्यूज हैं ना, मैं आपको एक स्ट्रेच में करवाऊंगी. एक स्ट्रेच में मतलब बिल्कुल एक साथ फटाफट से करवाऊंगी. हाँ, डिटेल्स नहीं इसकी होंगी. इट्स लाइक क्वेश्चंस है, साथ में आंसर्स है, दैट विल बी गिवन टू यू. ठीक है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप उसे लर्निंग प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इसको. लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम. ऑप्शन है चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन ऑफ द स्टडीज इन यूनिवर्सिटीज. सो आंसर है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर टू, दैट इज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Which of the following is entrusted with the responsibility of coordination and quality of higher education in India? Options hain Bar Council of India, Association of Indian University, University Grant Commission, Niti Aayog. Very easy question it is. Answer to this question is option number 3, that is UGC. University Grant Commission ko coordination or quality of higher education ka zimma diya hua hai. Theek hai? Which of the following body is empowered? Ye sare ke sare past year ki MCQs hain, piche पूछे गए हैं, तो इसलिए स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि इस बार पांच क्वेश्चंस आने ही आने हैं. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 5 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड. ठीक है, उसमें से सारा का सारा करंट अफेयर आपको थोड़ी आ जाएगा. लाइक दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, साथ में तीन स्टैटिक क्वेश्चन आ जाएगा. सो स्टैटिक क्वेश्चन के लिए ये आज का लेक्चर करना बहुत जरूरी है. तभी क्विकली करवा रही हूँ, सो दैट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस क्विक रिविजन से आपका ये हो जाए. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज एम्पावर्ड विद द रोल ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम. ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सिंडिकेट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस ओरिएंटेड टूवर्ड्स एडुकेशनल डिसेमिनेशन. सबसे कम नॉलेज को स्प्रेड करने वाला कौन सा है. इसमें देखो, सेमिनार होगा तो ऑडियंस होगी, क्लासरूम में भी ऑडियंस होगी, जर्नल पब्लिश करोगे तो भी लोग देखेंगे, लेकिन फील्ड वर्क आप उसे खुद कर रहे हैं ना, तो इसमें नहीं होगी जनता. सो फील्ड वर्क इज द करेक्ट ऑप्शन. फटाफट से ऑप्शन नंबर 4 को हम टिक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज इन यूजीसी हैज स्टैट्यूटरी फंक्शन टू परफॉर्म. ये बात याद रखना, स्टैट्यूटरी फंक्शन. स्टैट्यूटरी फंक्शन हर किसी को नहीं मिलता. जैसे फॉर एग्जाम्पल नैक को नहीं मिला. ठीक है, वो कौन सी बॉडी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना. सो ध्यान रखना इस चीज का. सो स्टैट्यूटरी फंक्शन इनमें से बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, रिसर्च डिजाइन कमेटी, फाइनेंस कमेटी, इसमें से किसको दिया गया है. आंसर नंबर 2, दैट इज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट. सो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को टिक कर लीजिए. विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटी एस्पेक्ट कौन देखता है. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एनसीईआरटी, यूजीसी. वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट होता है. बिल्कुल सही, जो एनसीटीई है दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए. वन आई मीन टू से इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट डिटर्मिन द एकेडमिक ethos. ethos की बात करें तो एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन सारे आ जाते हैं. सो खुद बताओ, एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन से फिजिकल लैब कैसे दिखती है, इसका कोई लेना देना है, लेक्चर हॉल से लेना देना है, ह्यूमन रिलेशन से लेना देना है एथिक्स का, फिजिकल अट्रैक्टिव कैंपस का भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज थ्रू प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव ग्रेट पोटेंशियल. Association of NGO poll, inviting dignitaries, head of national level organization, mentoring by senior faculty members, lecture by expert. So इसका answer है हमारा option number 3, mentoring by senior faculty members. NGO नहीं, dignitaries नहीं, expert नहीं. Option number 3. Now,
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन एंड स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी. सो डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिस्क्राइब हो रही है. ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फुली मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर. ऑप्शन नंबर फोर क्या है? ए और सी. ए और सी को एक बार देख लीजिए, दिस वन एंड दिस. ठीक है, सो बेसिकली हमने ये बात करी, इट मीन्स ये भी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा. क्या क्या काम करता है? रिसर्च का काम करेगा और फुली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये फंक्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इग्नू. इग्नू के बारे में स्टेटमेंट पूछी गई है, कौन सी करेक्ट है? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिवोटेड टू प्रमोट प्रमोशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इट कंडक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इट हैज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. तो आपको पता होना चाहिए इग्नू का है ही सिस्टम रिलेटेड टू ओपन एंड डिस्टेंस. सो हमारे पास बी और डी दोनों में ओपन एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन. एक बार देख लेते हैं, यही है करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर वन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. Coming to the next question of the day, the formal authority of approving university level courses vest in academic council, research degree committee, executive council, university council. Very easy question. Answer to this question is academic council. Learn कर लीजिए इसको. Formal authority, कोई university level के courses निकालने हैं, vest करने हैं, तो किसकी responsibility है? Academic council की. ठीक है, next question of the day. For effective organizational climate within the university system, which of the following measure will be most appropriate? Increasing the power. अब ये देखो, very easy question है. देखो, basically climate कैसा होना चाहिए? जब हम power of driving forces मतलब जो हमें positivity की तरफ push करते हैं, उसको हम increase करें, और जो हमें restrain करते हैं, उनको हम decrease करें. बाकी सारे option देखेंगे. तो किसी को रिस्ट्रेन में भी इंक्रीज करने को बोला गया है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है. ध्यान से देखें, ये देखो इक्विलिब्रियम थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रोकना. क्या आप रोकोगे? पहला ऑप्शन ध्यान से देखें, ड्राइविंग फोर्स जो हमें पुश करते हैं अच्छे लेवल पर, कहते हैं उनको इंक्रीज करेंगे एंड डिक्रीज करेंगे रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को. इंपॉर्टेंट चीज ना. ठीक है, कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन करेंगे. ठीक है, इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ड्राइविंग फोर्स विदाउट केयरिंग, कहते हैं रिस्ट्रेन जो हमें चीजें रोक रही हैं, मतलब कोई आपको अच्छा काम करने के लिए चीजें रोक रही हैं, आप उसे दूर नहीं रखोगे, तो इट मीन्स उनको हम डिक्रीज करेंगे और ड्राइविंग फोर्सेस को इंक्रीज करेंगे. ये हमारा इन्होंने बोल दिया कि इसी ड्राइविंग फोर्स का ही नहीं कोई ध्यान रखना. ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? जो हमें आगे की तरफ पॉजिटिविटी की तरफ पुश करती है, पॉजिटिविटी की तरफ पुश करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी इन द क्वालिटी ethos, फिर ethos आ गया, तो हमें उसके लिए किसको, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड हाई प्रायोरिटी स्किल फॉर अ वाइस चांसलर. कौन सी स्किल होनी चाहिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, एनवायरमेंट पर? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. For promoting human values through college university program, which of the following leadership style would be the most appropriate? Obviously, सबसे इनमें से कौन सा अच्छा होता है इस तरीके से? Appropriate participative leadership, जिसमें सबको participate करने दिया जाए. So participative leadership is the correct option. The leadership and executive role in higher education system in respect to state universities, किसको दिया हुआ है? State universities के respect पे. बिल्कुल सही, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी. ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी रिकमेंडेशन से ये 10th के बाद प्लस टू होगा, प्लस टू के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, ये इनकॉर्पोरेट किया गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में. बहुत इंपॉर्टेंट है कमीशन, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी. स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम एज वेल. कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन को याद कर लीजिए. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये हमने अभी लेटेस्ट वाले करेंगे, तो अभी हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, लीव दैट आंसर. और इसका ऑप्शन नंबर अगर आपको देखना है तो सेकंड था, ये पहले पूछा गया था. ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर के एमसीक्यूज करवा रही हूँ, दैट्स वाई इसको करा गया है. तो
2 अक्टूबर 1978 में महात्मा गांधी के बर्थडे पर कौन सी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 लॉन्च हुआ था, ठीक है? सो टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ एयर एस्टैब्लिशमेंट विच ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसमें से यंगेस्ट कौन सा है? तो ये आपका गूगल पर सर्च करने का काम बनता है कि 2019 की लेटेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है? साथ साथ में आपको बता रही हूँ क्या क्या आपको करना है. सो इस टाइम पर ये पुराने वाले के अकॉर्डिंग तो हमने चलना नहीं है. उड़ीसा यूनिवर्सिटी थी. ई पाठशाला इज एन इनिशिएटिव बाय, किसका इनिशिएटिव है? ई पाठशाला एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है, ठीक है? अब ये देखें यूनिवर्स, अब इनमें से बताना है कि कौन यूनिवर्सिटी को कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. वेरी इजी क्वेश्चन. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, प्राइवेट होती है, स्टेट होती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज होती है. ना ये वाली होती है ना ये वाली होती है. सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन. इन 1948 अंडर हूज चेयरमैनशिप द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेट अप टू रिकंस्ट्रक्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सबसे पहले 1948 याद रखना. मैंने सारी कमीशंस करवानी है आपको, तो आपसे पता लगेगा देश की आज़ादी के बाद जो पहली कमीशन आई थी 48 में, वो थी डॉक्टर राधाकृष्णन की, राधाकृष्णन की थी वो, ठीक है? फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है? सो बाकी के आंसर्स अगर आपको देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं, ठीक है? हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आपको रिवाइज करने चाहिए, ठीक है? सो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी अदरवाइज. सो आई होप मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स कवर अप करवाए हैं, और बाकी के वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, लर्निंग ऐप पर, जो आपने बाकी के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जरूर गाइज, एक ही दिन में सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, बहुत बेनिफिट होगा. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.